में मैं हूँ आपका दोस्त गणेश नादरिया, और आज मैं आपके लिए फेटे मशीन रिलेटेड और एक वीडियो लेके आया हूँ जो फेटे मशीन का प्रिंसिपल है। उसमें फेटे मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल, रिजेक्शन प्रिंसिपल, कैसे कंप्यूटर उसका वर्क करता है, कैसे फीडबैक मिलता है वेट और फील्ड डेप्थ के बीच में, ये सब चीज़ें वन बाय वन हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूअर के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट बनाया दोस्तों। इसी तरह हमें कमेंट करते जाएगा, लाइक करते जाएगा, शेयर करते जाएगा और हमारे साथ जुड़े रहेगा दोस्तों हमारी जर्नी 1000+ बनाने के लिए दोस्तों। चलो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना जाया किए हम वीडियो के लिए प्रोसीड। फेटे कंप्रेशन मशीन कैसे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन फोर्स कंट्रोल एंड रिजेक्ट्स द बैक टैबलेट्स बाय द फास्ट गेट, जो भी बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट होते हैं उनको रिजेक्ट करता है। ये कंप्रेशन फोर्स का जो प्रिंसिपल है, ये जो मैकेनिज्म है, ये कैसे काम करता है दोस्तों, हम आगे एक पिक्चर के जरिए क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, ये पिक्चर के जरिए हम जानेंगे ऑटो वेट कंट्रोल बाय कंप्रेशन फोर्स कंट्रोल। पिक्चर आप देख रहे हैं, जो पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ना एक पंच, दो पंच का हमने यहाँ पे एक पिक्चर मेंशन किया और यहाँ पे फील्ड डेप्थ का जो अपना लोअर पंच है और यहाँ पे फील्ड डेप्थ का पिक्चर दिखाया गया है। ये क्या बताता है? ये कंप्रेशन फोर्स को बताता है और ये फील्ड डेप्थ कम ज्यादा इसको बताता है। समझो कि अभी कंप्रेशन फोर्स ज्यादा हो गया, कंप्रेशन फोर्स ज्यादा हो गई तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस सिग्नल दिखाया ही हुआ है, यहाँ पे ये सिग्नल इस कंप्यूटर के जरिए फील्ड डेप्थ के स्टेशन तक पहुंचेगा, तो फील्ड डेप्थ क्या करेगा? ऑटोमेटिकली डेप्थ को कम कर देगा। कम करने के बाद क्या होगा? फील्ड डेप्थ कम किया तो यहाँ पे कमांड पहुंच जाएगा, अभी कंप्रेशन फोर्स भी कम हो गया है करके। जैसे कि अभी समझो कि कंप्रेशन फोर्स कम हो गया तो क्या होगा, ये जो रेड कलर जो माइनस दिख रहा है, यहाँ पे सिग्नल कन्वे करेगा फिलिंग स्टेशन पे कि कंप्रेशन फोर्स कम हो गया है, लिमिट से भी ज्यादा, आप इसे फील्ड डेप्थ बढ़ा दो। तो मतलब प्लस साइन दिख रहा है तो फील्ड डेप्थ बढ़ रहा है, फील्ड डेप्थ बढ़ने के बाद वापस यहाँ पे कमांड आ जाएगा कि कंप्रेशन फोर्स बढ़ गया है। ये जो एंटायर फीडबैक सिस्टम है ये प्लस या माइनस, समझो कि हमने अभी 9 और 11 का लिमिट सेट किया है, समझो 9 किलो न्यूटन के नीचे अगर कंप्रेशन फोर्स चला गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बोलेगा कि प्रेशर फील्ड डेप्थ बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ जाएगा। समझो प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, 11 किलो न्यूटन को क्रॉस करे तो इस कंडीशन में क्या करेगा ये, यहाँ पे प्लस जो साइन दिख रहा है यहाँ पे कमांड देगा और यहाँ से फील्ड डेप्थ को कम कर देगा, ताकि नेक्स्ट यहाँ पे सिग्नल पहुंच जाएगा कि कंप्रेशन फोर्स कम हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इफ द कंप्रेशन फोर्स गोज अबव द स्पेसिफाइड लिमिट एंटर्ड इन द मशीन, इट विल एडजस्ट फोर्स ऑटोमेटिकली बाय रिड्यूसिंग द फील्ड डेप्थ सिस्टम। ज्यादा हो गया तो कम करना है, कम हो गया तो इसको ज्यादा करना है, दैट्स इट। समझो कि इसमें क्या होता है, जो पैरामीटर 5 होता है ना, वो जो मेन कंप्रेशन फोर्स का इंडिकेटर होता है। अभी क्या होगा, पैरामीटर फिलिंग डेप्थ अगर ज्यादा हो गया, पैरामीटर 6 और मेन कंप्रेशन फोर्स ज्यादा हो गया, ये फिलिंग डेप्थ और मेन कंप्रेशन फोर्स ज्यादा कब होता है, जब मेन कंप्रेशन फोर्स कम होता है तो इसको इन दोनों को बढ़ाना पड़ता है, इसको बढ़ा दिया तो ये बढ़ते ही जाता है। समझो कि अभी मेन कंप्रेशन फोर्स जरूरत से ज्यादा हो गया, टू हाई मतलब 11 हो गया, तो क्या हो जाता है, फील्ड डेप्थ कम करेगा, स्मॉलर करेगा और उसके हिसाब से मेन कंप्रेशन फोर्स भी लोअर हो जाएगा दोस्तों। और मुझे लगता है कि इस पिक्चर से आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कंप्रेशन फोर्स कंट्रोल कैसे वर्क करता है फील्ड डेप्थ के साथ। चलो, अगर आप चाहे तो इस पिक्चर को कॉपी कर सकते हो, थोड़ा सा हमारे वीडियो पॉज करके, कोई इसमें गड़बड़ जल्दी नहीं है, अगर फिर भी आपको कुछ इश्यूज है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और आपको अगर कंप्रेशन फोर्स का जो हम लोग पैरामीटर जो सेट करते हैं, ये सब के बारे में आपको अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा एक पिछला वीडियो है ईडब्ल्यूसी सेटिंग, उसके जरिए आप जान सकते हो। और उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक को मेंशन किया है दोस्तों। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, ऑटो रिजेक्शन सिस्टम, उसको सेट कैसे करते हैं ऑटो रिजेक्शन सिस्टम को। कंप्रेशन फोर्स ऑफ स्टैंडर्ड लोअर एंड अपर जनरेटेड बाय साइमुलेटिंग द टैबलेट टू अ स्टैंडर्ड वेट, अपर लिमिट
वेट एंड लोअर लिमिट वेट एज पर द बीएमआर। समझो अभी बीएमआर का जो टैबलेट का वेट है 100 mg है, ओके, स्टैंडर्ड 100 mg है, और जो लोअर है वो 90 mg है, और जो हायर है 110 mg है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 mg का वेट सेट करना पड़ेगा, इसका कंप्रेशन फोर्स समझो कि 4 kN ही निकालना पड़ेगा समझो इसको। फिर टैबलेट को आपको 110 mg को सेटअप करना पड़ेगा, इसका कंप्रेशन फोर्स निकालना पड़ेगा, और टैबलेट को आपको 90 mg को सेट करना है, और इसका कंप्रेशन फोर्स निकलेगा समझो कि 3 kN। मतलब ऐसे आपको टैबलेट को साइम्युलेट करके कंप्रेशन फोर्स को रिकॉर्ड करना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर कंप्रेशन फोर्सेस कैलकुलेटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। समझो कि अभी 3 है तो आपका इसका डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस आएगा 1, और स्टैंडर्ड कितना है 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, तो कितनी इंटू 100 अगर आपने इसको कर दिया तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 25% आएगा, प्लस माइनस 25%। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द कंप्रेशन फोर्स ऑफ अपर साइड इज एंटर्ड इन द पैरामीटर 10। जो पैरामीटर 10 है वहां पे आपको ये 25% सेट करना है, और जो पैरामीटर 11 है ये लोअर साइड के लिए, उसको आपको 25% पैरामीटर 11 में पीएलसी में सेट करना है दोस्तों। ये हो गया आपका ऑटो रिजेक्शन सेटिंग। नेक्स्ट आपको ऑटो रिजेक्शन प्रोसेस कैसा काम कर रहा है, आपने तो सेटिंग तो कर लिया, अभी प्रोसेस कैसा काम करता है इसमें देखेंगे। ईच स्टेशन कंप्रेशन फोर्स मैक्सिमम इज डिटरमाइंड एंड कंपेयर विद द प्री सिलेक्टेड लिमिट्स एट द पैरामीटर बॉक्स शोन इन द पैरामीटर लिस्ट। जो भी आपने पैरामीटर 11 और 10 को कमांड दिया है, द इंडिविजुअल वैल्यू अपर लिमिट परसेंट फोर्सेस एक्सीडेड एंड लोअर कंप्रेशन परसेंट फॉल्स बिलो। मतलब जो 11 में आपने 25% किया, -25% गया, और 10 में आपने +25% किया, तो 25% प्लस अगर कंप्रेशन फोर्स जाता है सेट वैल्यू से, उसी टाइम पे क्या होता है, ऑल टैबलेट्स विल बी सॉर्टेड आउट बाय द सॉर्टिंग गेट। जो भी टैबलेट 25% को क्रॉस करती है दोस्तों, वो सभी टैबलेट्स मशीन के सॉर्टिंग गेट के थ्रू फास्ट गेट से रिजेक्ट हो जाती है। ये इसके बारे में आप जान सकते हैं, हमारा ये डब्ल्यू सी सेटिंग वीडियो है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो उसका लिंक दे ही दिया है। नेक्स्ट इस पिक्चर के थ्रू और थोड़ा जानेंगे हम लोग कि कैसे रिजेक्शन प्रोसेस काम करता है। इफ द कंप्रेशन फोर्स एक्सीड्स द सेट देन बैड टैबलेट्स विल बी रिजेक्टेड, इफ कंप्रेशन फोर्स ड्रॉप्स बिलो द सेट अगेन द बैड टैबलेट्स विल बी रिजेक्टेड। ये हमने पैरामीटर 10 और 11 दिया है, मैं दिखाया है जो HMI में दो AC आपको सेट करना है दोस्तों, यहाँ पे 10 और 11 में लोअर और अपर लिमिट। द मैकेनिकल सॉर्टिंग गेट दैट इज फास्ट गेट सॉर्ट आउट द पुअर क्वालिटी टैबलेट्स पिक्ड आउट बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ मिली सेकेंड्स में डिसाइड करता है कि कंप्रेशन फोर्स स्टेशन का आउट ऑफ लिमिट जा रहा है, तो इस सिंगल टैबलेट को सॉर्टिंग गेट के थ्रू रिजेक्ट करे करके। दिस इज द पुअर क्वालिटी टैबलेट्स डाइवर्टेड इनटू द रिजेक्शन चैनल ऑफ द डिस्चार्ज गेट। इफ द सॉर्ट आउट ऑपरेशन इज नॉट रिपोर्टेड बैक टू द कंप्यूटर इन दैट केस कंप्यूटर देन सेंड्स डायग्नोसिस रिजेक्ट गेट नॉट वर्किंग। समझो कि अभी कंप्यूटर ने अपना काम किया है, कैलकुलेशन किया है कंप्रेशन फोर्स कंट्रोल के थ्रू, और रिजेक्ट गेट को कमांड ऑलरेडी भेज दिया है कि भाई इसको रिजेक्ट करो। समझो कि अभी कुछ तकनीकी कारणों से या कुछ मैकेनिकल इश्यू से अगर टैबलेट रिजेक्ट नहीं हो पाती है, तो ये गेट से फीडबैक कंप्यूटर को जाता है कि ये गेट से टैबलेट रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो आपका मशीन बंद हो जाएगा विद अलार्म रिजेक्ट गेट नॉट वर्किंग डायग्नोस्ट कर। मतलब जो भी कमांड कंप्यूटर ने दिया है, कंप्यूटर को फीडबैक आना चाहिए कि ये टास्क परफॉर्म हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो कंप्यूटर को कमांड आएगा ये टास्क नहीं हुआ है, कंप्यूटर डायरेक्ट वे मशीन को बंद कर देगा विद डायग्नोस्टिक अलार्म। तो ये है दोस्तों ईडब्ल्यूसी मशीन का बेस्ट फीचर। तो हम जो फीचर्स है AWC मशीन के, दो फीचर्स है, ऑटो वेट कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटो रिजेक्शन सिस्टम। जस्ट एक हेलीकॉप्टर व्यू करेंगे ये वीडियो खत्म करने से पहले। द मशीन इज कैपेबल टू मेंटेन एंड कंटिन्यूली एडजस्ट द वेट ऑफ द टैबलेट एज पर द सेट कंप्रेशन फोर्स इन द पैरामीटर 5। मेन कंप्रेशन फोर्स जो हमने पहले पिक्चर को देखा, जो हमने नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, सेम वैसे ऑटो वेट कंट्रोल को हमेशा वेट मास्टर रहता है वो
मॉनिटर करते रहता है और सेट करते रहता है दोस्तों। आपको बार बार ऐसे छोटा छोटा चीजों के लिए डोजर को हिलाने की जरूरत नहीं, थोड़ा 2 mm 2 mm चेंज करते हैं, 3 mm, ये काम ऑटोमेटिकली मशीन हमेशा करता रहेगा इस कंप्यूटर के जरिए। ऑटो रिजेक्शन सिस्टम, मशीन इज कैपेबल टू रिजेक्ट द सिंगल बैड टैबलेट थ्रू द फास्ट गेट ड्यूरिंग हाई स्पीड रन इफ एनी एक्चुअल पैरामीटर्स आर डिविएटिंग द सेट पैरामीटर 10 और 11। 25 को अगर 25.1 भी होता है ना तो ऑटोमेटिकली एट 80 RPM भी मशीन टैबलेट को रिजेक्ट कर देता है दोस्तों। तो और एक चीज इसमें, आप जब भी कभी कभी क्या होता है 70-60 RPM पे छोटे टैबलेट्स होते हैं तो हायर RPM पे रिजेक्ट नहीं हो पाते, तो उसमें और एक सेटिंग होता है रिजेक्ट गेट का एंगल सेटिंग, तो उसका सेटिंग आपको ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे करना रहता है डिले और फास्ट कर करके कि बैड टैबलेट उस टाइम पे एग्जैक्ट रिजेक्ट हो। ये सेटिंग्स अराउंड 70-80 RPM को हाई स्पीड पे करना पड़ता है और नॉर्मल 50 RPM 40 RPM पे करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए। इस वीडियो के दौरान आपको कुछ भी क्वेरीज है तो हमारे और भी फेटे के रिलेटेड प्रीवियसली हमने वीडियोस बनाए हैं, जैसे फेटे पैरामीटर्स या फेटे AWC सेटिंग, फेटे के जो हॉट कीज, ये सभी वीडियोस हमने पिछले टाइम बनाए हैं और हमने अपलोड किया हमारे चैनल में, और उसका जो लिंक है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा दोस्तों उसके लिंक्स, तो वो भी आप देख सकते हो कुछ क्वेरीज है। तो इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम आपको वो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे और वीडियो पब्लिश करेंगे कुछ आने वाले दिनों में आप बोलने के बाद दोस्तों। फाइनली मैं आप सबसे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो हमारे एंड तक देखा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों वापस मिलेंगे अगली बार कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।